हेलो नमस्कार दोस्तों, चैनल टेक ग्रोथ में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अक्षय और हमेशा की तरह मैं फिर से आपके लिए एक न्यू टेक की वीडियो लेके आ चुका हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वन प्लस के लेटेस्ट फ्लैगशिप वाले स्मार्टफोन वन प्लस 9 प्रो के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो से पहले भी मैंने अपने चैनल पर वन प्लस 8 प्रो का वीडियो बना रखा था, जो कि इससे पहले की लेटेस्ट फ्लैगशिप वाली स्मार्टफोन थी। तो अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं तो वो वीडियो भी जाके आप वहां से देख सकते हैं। मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा अपने, और साथ ही साथ आई बटन में भी डाल दूंगा, आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं कि वन प्लस 9 प्रो में हमें क्या कुछ मिल जाता है। इंडिया में हो चुका है वन प्लस 9 प्रो लॉन्च, तो चलिए इस वीडियो को देखिए शुरू से अंत तक, ताकि आपको उसके बारे में हर एक अपडेट मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इस फोन की कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन दे देता हूं। तो फोन का जो लॉन्चिंग डेट था वो था 23rd मार्च 2021 को ये फोन इंडिया में लॉन्च हुआ। और मैं बता दूं, ये बहुत ही ज़बरदस्त फ़ोन है, अच्छा खासा बिक भी गया है अभी तक, और साथ ही साथ बिकेगा भी लंबा, बिकॉज ये वन प्लस का अभी तक का लेटेस्ट फ्लैगशिप वाला स्मार्टफोन है। इससे पहले कि वन प्लस 8 प्रो जो था वो लेटेस्ट फ्लैगशिप वाला स्मार्टफोन था, जिसका कि मैंने फुल इनडेप्थ रिव्यू आपको पहले ही बताया था अपने इस चैनल पर। तो चलिए इस फोन की जनरल इन्फॉर्मेशन जैसा कि मैंने आपको बताया कुछ दे देता हूँ। तो 23rd मार्च को ये इंडिया में लॉन्च हुआ, और साथ ही साथ ये तीन कलर वेरिएंट में लॉन्च हुआ था इंडिया में, एस्ट्रल ब्लैक, मॉर्निंग मिस्ट और पाइन ग्रीन। ये तीन नाम से तीन कलर सेगमेंट में इंडिया में लॉन्च हुआ था, और साथ ही साथ दो स्टोरेज वेरियंट्स के साथ में इंडिया में आया था। पहला था 8GB स्टोरेज विथ 28GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में, और दूसरा जो था वो था 12GB रैम और साथ ही साथ 256GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में। तो ये दो वेरिएंट में इंडिया में लॉन्च हुआ। जो बेस वेरिएंट था उसका प्राइस रखा गया यहाँ पे 64,999 रुपीज़, मीन्स 65,000 रुपीज़ इस फ़ोन के लिए आपको पे करने पड़ेंगे, जो कि मुझे कुछ ओवर लगा, बिकॉज वन प्लस 8 प्रो का प्राइसिंग उस हिसाब से फिर भी ठीक था, लेकिन यहाँ पे जो आपका बेस वेरिएंट है उसी के लिए आपको पे करने पड़ जाते हैं 65,000 रुपीज़। तो वो मुझे कुछ थोड़ा सा प्राइस ओवर लगा, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा ओवर है। और चलिए बाकी की इन्फॉर्मेशन मैं फ़ोन की आपको यहाँ पे दे देता हूँ, साथ ही साथ मैं बता देता हूँ आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और लेना चाहिए तो क्यों लेना चाहिए, क्या आपको इस फ़ोन में लेटेस्ट चीज़ मिलता है। ओके, तो वीडियो को देखते रहिए। तो अब यहाँ पे बात कर लेते हैं फ़ोन के डिस्प्ले के बारे में। तो यहाँ पे आपको 6.70 इंचेस की फुल HD 2K OLED डिस्प्ले मिल जाती है, जो कि एक बड़ी डिस्प्ले है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको मिल जाता है 525 PPI का डिस्प्ले। रिजोल्यूशंस की अगर बात करें यहाँ पे, तो 1440x3216 पिक्सल्स की आपको यहाँ पे डिस्प्ले मिल जाती है। साथ ही साथ अगर आप बात करें यहाँ पे प्रोसेसर की, तो यहाँ पे मिल जाता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888 ओक्टा कोर प्रोसेसर, जो कि 5G एनेबल्ड है। यहाँ पे सिंगल सिम में आपको 5G का सपोर्ट मिल जाएगा सिम 1 में, और साथ ही साथ सिम 2 की अगर बात करें तो यहाँ पे 2G 3G और 4G का सपोर्ट मिल जाएगा, जो कि सिम 1 में भी आपको यहाँ पे मिलने वाला है। अब बात कर लेते हैं फ़ोन की कैमरा के बारे में। तो यहाँ पे चार कैमरा का सेटअप आपको मिल जाता है बैक साइड में, जो कि एक होने वाला है 48MP का, साथ ही साथ एक होने वाला है 50MP का। तीसरे कैमरे की अगर बात करें तो यहाँ पे 8MP का मिलने वाला, साथ ही साथ में एक चौथा कैमरा जो हमें मिलने वाला है वो 2MP का वाइड एंगल सपोर्ट के साथ में कैमरा मिलने वाला है। फ्रंट कैमरे की अगर बात करें यहाँ पे, तो 16MP का फ्रंट कैमरा मिलने वाला है, जो कि काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। अब बात करते हैं फ़ोन की सॉफ्टवेयर की। तो यहाँ पे आपको ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाता है, वो है एंड्रॉयड 11 का, और साथ ही साथ स्किन की अगर बात करें तो यहाँ पे ऑक्सीजन OS 11 का सपोर्ट आपको मिल जाता है। सेंसर्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर आपको मिलने वाला है, साथ ही साथ और बाकी जो सेंसर होते हैं प्रॉक्सीमेट्री सेंसर, एम्बेड लाइट सेंसर, जितनी भी सेंसर होती हैं, एक्सेलेरोमीटर वगैरह, सारा सेंसर आपको इसमें मिलने वाला है। भर भर के सेंसर दिए गए हैं, तो उसके लिए कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। फ़ोन की बैटरी की अगर बात कर लें यहाँ पे, तो बैटरी आपको मिलने वाला है 4500mAh का बैटरी, और साथ ही साथ अगर बात कर लें तो यहाँ पे आपको 50W का चार्जर मिलने वाला है, जो कि फास्ट चार्जिंग के साथ में आता है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही था फ्रेंड। होप करता हूँ कि आपको वन प्लस 9 प्रो की वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, और अगर आप वन प्लस 8 प्रो का वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, मैं फिर से एक बार आई बटन में आपको दे देता हूँ। अगर यहाँ से नहीं मिले तो आप नीचे एक बार जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर देख लेना, आपको वहाँ पे एक इनडेप्थ वीडियो मिल जाएगी वन प्लस 8 प्रो के बारे में। तो होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।